नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये हमारा आज का रेट एनालिसिस सीरीज का पांचवा वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना सीमेंट लगता है, कितना एग्रीगेट लगता है, कितना सैंड लगता है। इसमें हमने रिवर साइड कंसिडर किया है, हालांकि आजकल रिवर साइड कम इस्तेमाल होता है, क्रश साइड ही ज़्यादा यूज होता है। तो पर क्यूबिक मीटर कितना मटेरियल लगता है और कितना कॉस्ट आता है, इसका हम डिटेल देखेंगे। अभी सबसे पहले हम बेसिक रेट लेंगे, मटेरियल यूनिट रेट अज्यूम। सीमेंट का हमने 320 रुपये अज्यूम किया है, सैंड का 2473, एग्रीगेट का 20 mm का 1400 रुपये और एग्रीगेट 10 mm का 1200 रुपये। तो उसमें हम लोग अभी ऐड करते हैं आरसीसी का हम जो देते हैं। अभी इसमें एक M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है, उसका हम एनालिसिस करेंगे डिटेल्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर। अभी इसमें क्या इसे क्या क्या देखना है वो आप देखेंगे। अभी सबसे पहले इसमें एक मेसन जो रहता है वो 0.1 कंसिडर किया है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, और पर डे 600 रुपीज़ है। कूली है 0.91, तो उसका 400 रुपीज़ ये है। सीमेंट अभी सीमेंट है हमने 8.7 बैग कंसिडर किया। अभी ये हमने ये चीज़ कैसे निकाला ये पूरा डिटेल में नीचे है, ये देखिए। अभी सबसे पहले ड्राई सीमेंट वॉल्यूम मतलब 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम कैलकुलेशन, 1 M20 मतलब 1.5-3 का है। तो सीमेंट क्वांटिटी कितना आएगा, 1.54 इंटू 1 मतलब 1.54 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 3 मतलब 0.280.126। तो सीमेंट इन केजी कितना आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब 0.2801 इंटू 1440 पर किलोग्राम, ये जो है वो डेंसिटी ऑफ सीमेंट है 50 ग्राम। तो इसका कितना आएगा, 0.2801 इंटू 1440 इज इक्वल टू 8.06। तो उस हिसाब से हमने इधर सीमेंट लाए 068 राउंड अप 1.07 रेट आए गए 2% वेस्टेज। अभी सैंड 0.42, सैंड 0.42 कैसे आ गया, इसमें सैंड है 1.54 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0.42 और 10 क्यूबिक मीटर में 4.2। इसमें एक ध्यान में रखिए, ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1.54 का डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय, इसमें सैंड का कंटेंट 1.5 है, इसलिए 1 प्लस 1.5 इंटू 3 1.5 को डिवाइड करते हैं। ऊपर में हमने देखा सीमेंट का कंटेंट 1 है, इसलिए 1। एग्रीगेट का करते समय हम ऐसा ही करेंगे 1.54 इंटू 3, क्योंकि 3 एग्रीगेट है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 3 मतलब 0.84। तो उसके हिसाब से इसमें कैसा एग्रीगेट में कैसा है, 20 mm 10 mm अलग अलग साइज के रहते हैं। तो 60% ऑफ टोटल एग्रीगेट 20 mm साइज के, 40% ऑफ टोटल एग्रीगेट 10 mm साइज के। तो हम जब 20 mm एग्रीगेट है तो 8.4 क्यूबिक मीटर इंटू 60%, और 10 mm एग्रीगेट है 8.4 इंटू 40%, तो 5.04 20 mm के, और 3.36 10 mm के एग्रीगेट है। तो कंक्रीट ये कैसा है, सीमेंट मिक्सचर फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट और वाटर पानी जब सीमेंट एग्रीगेट में मिक्स किया जाता है, तो जैसे मैंने पहले के कुछ वीडियोस में भी बताया है, परसेंटेज ऑफ वाइट्स एग्रीगेट 20%, परसेंटेज ऑफ वाइट्स कोर्स एग्रीगेट 32 से 34%, टोटल वाइट परसेंटेज 52 से 54%, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी हम इसमें सैंड का 0.42 वेस्टेज 60%, एग्रीगेट 20 mm का आ गया 0.504 5% वेस्टेज, 10 mm का 0.336 5% वेस्टेज, ये सब के रेट डाले हुए एग्रीगेट 20 mm 1400, एग्रीगेट 10 mm 1200। अभी हायर रनिंग मशीन मैकेनिकल मिक्सर, ये जो मशीन रनिंग चार्जेस जो मिक्सर जो रहता है उसका 5% कंसिडर किया, ट्रांसपोर्टेशन 1% कंसिडर किया है, अदर चार्जेस 2%,
और वाटर चार्ज, पानी भी रहता है कंक्रीट में, पानी के भी चार्ज कंसिडर किया है 1%, तो इसके हिसाब से टोटल आ गया 5,813.93। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड ये टोटल हमने कितना कंसिडर किया, 15%, तो 872 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ वन क्यूबिक मीटर 6,686.02, मतलब राउंड में 6,686 रुपये पर क्यूबिक मीटर आया। तो इस हिसाब से हम लोग कॉन्क्रीट का एनालिसिस करते हैं। अभी इसमें हमने मिक्सचर पकड़ा है, कई कई जगह बैचिंग प्लांट रहेगा, कई कई कुछ और मतलब वे बैच रहेगा, अलग अलग टाइप से रहेगा, उसके हिसाब से इसके रेट्स वेरी होंगे। यहाँ मिक्सचर से पकड़ के हमने रेट एनालिसिस किया है। सबसे पहला एनालिसिस करते हैं समय कॉन्क्रीट में मटेरियल, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर और एडमिक्सचर रहेगा तो एडमिक्सचर, ये सब का डालना है। बाद में मशीनरी डालना है और फिर लेबर डालना है और फिर ओवरहेड प्रॉफिट डाल के उसका फाइनल रेट निकालना है। इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसान रहेगा, आपको इजी है शायद, मुझे लगता है कि समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड आता है और उसका कॉस्ट कितना आता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।